टूट गई प्रक्षरा की जोड़ी, आखिरकार अक्षरा और प्रतीक के रिश्ते में क्यों आई है दरार, चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि प्रतीक और अक्षरा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कनेक्शंस में से एक बन गए थे घर के अंदर। फैंस उन्हें प्रक्षरा के नाम से काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। ऐसे में जब भी ये दोनों एक साथ होते थे वो मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट होता था फैंस के लिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अक्षरा और प्रतीक के रिश्ते में दरार आ गई? तो आपको बता दूं कि हुआ यूं कि बिग बॉस की तरफ से कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर मौका दिया गया अपने अपने कनेक्शंस को बदलने का, जिसके बाद प्रतीक ने अक्षरा से कनेक्शन तोड़कर नेहा भसीन के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, और वहीं मिलिंद ने नेहा से अपना कनेक्शन तोड़कर अक्षरा के साथ कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अदला बदली हो गई कनेक्शंस की, जिसकी वजह से अक्षरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इवन प्रतीक जब उनके पास बात करने भी आए अक्षरा से, तो अक्षरा ने उनसे बातें भी नहीं की। ऐसे में देखा जाए तो ओवरऑल पूरी के पूरे तरीके से इनकी अदला बदली हो चुकी है। नेहा और प्रतीक अब एक कनेक्शन बन चुके हैं, मिलिंद और अक्षरा एक कनेक्शन बन चुके हैं। हालांकि मिलिंद और अक्षरा की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, दोनों फ्रेंडशिप भी काफ़ी टाइम से अच्छी फ्रेंडशिप में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कनेक्शन की हेरा फेरी यानी अदला बदली क्या कुछ आगे गेम और स्ट्रांग बनाता है, या फिर और वीक हो जाएगा गेम, देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प। तो फिलहाल आप बताइए, प्रतीक और अक्षरा दोनों एज अ कनेक्शन अब अलग हो चुके हैं, अब फाइनली ये दोनों एक कनेक्शन नहीं रहे। इस खबर को जानकर आपके क्या है रिएक्शंस, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें अपने रिएक्शंस हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।